हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं जिनका सवाल है कि सर जब मैं टैली प्राइम, अब आई होप कि टैली प्राइम है कि ERP 9 है मुझे ये पता नहीं, आई होप कि टैली प्राइम होगा, या ERP 9 भी होता है तो उसमें GST एक्टिवेट नहीं हो रहा है, ऑप्शन ही नहीं आ रहा है GST एक्टिवेट करने का। अब ये क्या दिक्कत है, इस दिक्कत के बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आ रही हो तो आप भी इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा जो भी दिक्कत आपको आ रही होगी, ठीक है। GST आखिरकार क्यों नहीं एक्टिवेट हो रहा है, चलिए ये समझते हैं। एक तो आप टैली प्राइम यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, पहला जो रीजन है वो ये है। दूसरा, अगर ERP 9 यूज कर रहे हैं तो उसमें 6 पॉइंट से ऊपर का वर्जन आपके पास होना चाहिए, तभी उसमें आप GST एक्टिवेट कर पाएंगे। अगर 6 पॉइंट से ऊपर का वर्जन टैली का नहीं है तो आप GST एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे उसमें, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं, ये पता करने का तरीका है। यहां पर अबाउट में गया, मैं हेल्प में गया, फिर अबाउट में गया, तो यहां पर टैली प्राइम का मेरे पास 2.0 लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। इसी तरीके से ERP 9 में आपको 6 पॉइंट से ऊपर का वर्जन होना चाहिए, तभी आप एक्टिवेट कर पाएंगे GST, ठीक है। तो अगर आप GST एक्टिवेट करना चाहते हैं तो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड रखिए, उसमें आप GST एक्टिवेट कर पाएंगे। अब तरीका क्या है GST एक्टिवेट करने का, वो तो बहुत आसान है। F11 की प्रेस कीजिए और यहां से आपको क्या करना है, Y प्रेस कर देना है। जैसे ही Y प्रेस करेंगे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिए, रेगुलर GST फाइल करेंगे या कंपोजिशन, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। फिर यहां पर आ जाइए, कितने तारीख से आपका काम शुरू हुआ है, कितने तारीख से खरीद फरोख्त वाला काम शुरू हुआ है, उस तारीख को यहां डाल दीजिए। GST कब से एप्लीकेबल होगी, तो मैंने यहां कह दिया 1 अप्रैल 2021। जब आप अपना GSTIN बनवाएंगे तो आपको GSTIN नंबर यहां पर डालना होगा। मंथली GST फाइल कर रहे हैं, एंटर प्रेस करता हूं, यहां पर Y प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए। टैक्सेबल रखना है 18% बाय डिफॉल्ट GST मैंने कर दिया है। अगर आप 28% सेट करना चाहते हो, 21% सेट करना चाहते हो, 10% सेट करना चाहते हो, या जितना भी सेट करना चाहते हो यहां पे आप दे सकते हो, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, ईवे बिल ये देखिए आ रहा है, ईवे बिल के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, फिलहाल इसको नो रखता हूं और कंट्रोल ए प्रेस कर लेते हैं। GST एक्टिवेट हो गया हमारा, ठीक है। अब आप जब भी जाएंगे कोई भी परचेजिंग करेंगे तो उसमें GST ऑटोमेटिकली आएगा। जैसे कि अगर मैं जाता हूं परचेज वाउचर में F9 प्रेस करके और यहां पर कोई भी सप्लायर का इनवॉइस नंबर डालता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर क्रेडिटर पार्टी और डेटर पार्टी की बात होगी। यहां पर अगर मैं कैश ले लेता हूं, चलिए कैश ले लेते हैं, इस बार कैश लेके करते हैं, एंटर प्रेस किया। यहां पर आपको रेगुलर रखना है, ये ध्यान देना है, और यहां पर जो आपका GSTIN नंबर है वो आप डाल दीजिए। तो वो GSTIN नंबर डालने के बाद यहाँ परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा और यहां पर जो भी स्टॉक आइटम है उसको आप परचेज कीजिए, ये हो गया, एंटर प्रेस कीजिए। और यहां पर CGST SGST का लेजर बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाया तो ऑल्ट के साथ सी प्रेस करके बना लीजिएगा। CGST SGST और IGST तीनों को ही आप रख सकते हैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के ग्रुप में, ठीक है। तो यहां पर CGST कर दीजिए और फिर यहां पर SGST कर देता हूं, सेम स्टेट का मामला होता है तो CGST SGST ही हम रखते हैं, ठीक है। कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, GST एक्टिवेट हो गया। यही वो तरीका है जिसके माध्यम से आप GST एक्टिवेट कर पाएंगे, ठीक है। अगर आप GST का लेजर सही से नहीं बना रहे हैं तो भी दिक्कत आएगी, तो अब डिटेल में मुझे बताइएगा। वैसे तो मैंने बता ही दिया कि GST क्यों नहीं आता है, ठीक है। दूसरा ये है कि 1 जुलाई 2017 के पहले GST लगाने की कोशिश करेंगे तो उस समय तो GST था ही नहीं, GST लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, तो 1 जुलाई 2017 के पहले GST लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।